काजी रुआ कुछ सोचनी है। अरे का सोचेगा, आज से पूरन वाल की दुकान पे जाके धरना देवे के बा और गांव गांव जाके नयका कार्यकर्ता बनावे के बा। काल से ललिता बुखार से तप रहल बिया और रुआ के पार्टी के अलावा और कुछ सुझाव नहीं थे। देखा सब जने हो जाए इंतजार करत हो, बहुत देर हो गई है। एक दिन तनी देर से चल जाए तो पहाड़ ना टूट पड़ी। ललिता के बैद के दिखावा बहुत जरूरी बा, दिनों दिन ओकर हालत खराब हो रहल बा। ललिता के माए बार बार हमरा ये बात बोल करके दिमाग मत खराब करा। पहले ललिता के बैद जी के दिखा दे, ओकरे बाद धरना पर चल जाए। आजे के धरना से तो आजादी ना मिल जाए। ललिता के माए तोहरा के मालूम नहीं के कि आज के धरना कितना जरूरी बा। ललिता की इलाज ऊना जरूरी बा। देखा दोनों चीज जरूरी बा, धरनो जरूरी बा और ललिता के इलाज जरूरी बा। तो ललिता के इलाज करा के लाई फिर धरना पर जाई। और धरना पर ना भी गई नी तो कोनो फर्क ना पड़ी। और ललिता के इलाज के समझे के कोशिश करें। आज अगर हम ना जाए तो पार्टी में हमारी छवि खराब हो जाए। कहे कि धरना के कर्ता धरता हम ही बानी। और घर ललिता हो के क्या देखी? देखा ललिता घर माई, घर और बाल बच्चा की जिम्मेदारी औरतन के होला। जब हमर माई तुहार जैसन रहलन ना तो साथ साथ बच्चा के दुख झेल ली और हमरा खातिर सब जगह गए, यहाँ तक गंगा घाट तक गई नहीं चिरकुटाहा बाबा के पास। माय हमरा के सब बतौनी, हमार माय सब दुख सहली, बाकी कभी बाबूजी से शिकायत ना करी। अपना घर अपन लैकन के जिम्मेदारी खुद संभाल ली। घर और लैकन के खातिर कभू बाबूजी के काम में रुकावट ना डालनी। अपन फर्ज मालूम बा, बाकी का करी, घर में एक को पैसा नहीं के कैसे जाए बैद जी के पास। समझ में नहीं आता। अच्छा ऐसा करा, ये अंगूठी के बेच के ललिता के इलाज करावा। हाँ हमारा चाहता बहुत जल्दी पा हमरा के। चिंता मत करा, सब ठीक हो जाए। हाँ हम जाते हैं। रुआ कुछ कही, बाकी हमरा बड़ा डर लगा था। तुम्हें किस बात का डर है? यह साहब कि अगर हम कांग्रेसी के बात ना मननी तो वो लोग हमार दुकान जरा दे और लूट ले। तुम चिंता मत करो मिस्टर फोरन माल, ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है। अरे सेठ जी तू चिंता मत करा, जिसे साहब घर हल बन ना वैसी करा, सब ठीक हो जाए। हाँ तुम बेफिक्र होकर मिस्टर पुरनमाल फॉरेन क्लोथ्स बेचते रहो। अगर किसी ने भी तुम्हें या तुम्हारी शॉप को तुम्हारी दुकान को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो वो जरूर जेल में जाएगा।
बरतानिया सरकार के आगे ये चंद कांग्रेसी लोग का करिए, कुछ ना करिए। मिस्टर पूरनमाल, अगर तुम ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दोगे तो मैं जल्दी तुम्हारा सिफारिश करके तुम्हें राय बहादुर का ओहदा दिलवा दूंगा। सच सरकार, रघुआ हमरा के राय बहादुर के पदवी दिवा दे। हाँ। हम वादा करत हानी सरकार, हम रघुआ साथे बनी, अब हम उस सब से टकरा जाए। रघुआ देखब सरकार, अब हम कांग्रेसी सत्याग्रही के अपना दुकान से ऐसे भगाई जैसे लोग पागल कुकुर के अपना दरवाजा से भगावेला। मिस्टर पूरनमाल, तुम्हें समझो कि तुम्हें राय बहादुर का ओहदा मिल गया। ठीक है सरकार, ठीक है सरकार की जय हो। जय बरतानिया, जय बरतानिया। देखा माया सिंह के पूरनमाल फिसल गया लालच में। जी हुजूर, रुआ भी तो ऐसा पदवी देवे के घोषणा कर देनी कि सेठ पूरनमाल सपना में भी ना सोचले हुई है। जब तक पूरनमाल जैसे लालची पब्लिक हिंदुस्तान में होगा, तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ्लैग, आई मीन झंडा झंडा लहराता रहेगा और ब्रिटिश राज करता रहेगा। अरे तूने लोग बढ़िया कपड़ा के सब आगे लगा के रखा जा। वंदे मातरम सेठ जी। पर रउआ लोग के एक बार समझावे में समझ में नहीं आवत, का दुश्मनी बा हमरा से आके। देखी सेठ जी, रउआ से हमने के कोनो जाति दुश्मनी नहीं है। हम सब जे कुछ भी कर रहल बानी देश के आजादी के खातिर कर रहल बानी। बस रउआ से इक्के अनुरोध बा कि विदेशी कपड़ा के खरीद बिक्री बंद कर, स्वदेशी कपड़ा के खरीद बिक्री शुरू करे। देसी खादी केहू ना खरीदे, सबके है विदेशी चमकदार कपड़ा चाहिए। देखिए, विदेशी कपड़ा बेचला से अपन देश के पूंजी विदेश जाला, जौन से हम सब कमजोर होनी और अंग्रेज और मजबूत। हमरा के व्यापार करे के है, कांग्रेसी बन के अपन लड़का के और अपना के भूखा ना मारे के है। देखिए सेठ जी, व्यापार करी, व्यापार करे में कौन रोक नहीं थी। बस रउआ से इक्के अनुरोध बा कि अपन स्वदेशी कपड़ा के खरीद बिक्री शुरू कर, जौन से अपन देश के बुनकर लोग के रोजगार में दो पैसा अपन देश में बचे। और दो पैसा का बचत हुई सेठ जी, और अपन देश स्वनिर्भर हुई ना। हम कौनो कांग्रेसी ना है, हमरा के अपन दुकान चलावे के बा, देश ना। और भाई, गांधी बापू पर हमरा तनिको विश्वास नहीं खे, और वैसे अपन देश के पैसा विदेश ना जा रहा है, हमरे तिजोरी में आ रहा है। पूरन भैया, काहे जीत करत बाड़ा, हमनी के बात मान जा, हमनी के साथ द। ए हरिया, जाके देख अपने रामधन पुलिस लेके काहे नहीं आई। देखिए सेठ जी, आखिरी बार विनती कर रहा बानी, ना तो हमरा सबके धरना देवे के पड़े। अरे रउआ लोग धरना देव तो हम कहा सही चुपचाप बैठब। अरे हमू डीएम साहब से बात करके आई बानी, रउआ लोग दी धरना, रउआ लोग के गिरफ्तारी के पूरा इंतजाम केले बानी हम, समझनी। जाई
भैया सेठ जी ऐसे न मनिए ता हाँ चले चलिए सेठ जी राम राम का भाई का भाई सेठ पूरनमल के समझावे के कोशिश करी बाकी सेठ पूरनमल हमने के बात माने खातिर तैयार नहीं है। अरे ये ससुरा पूरनमल अंग्रेज के दोस्त हमनी के दुश्मन बा दुश्मन वो हमनी के बात कबो न मानी। अब आगे का कहल जाए वह ये हमनी के अधिकार क्षेत्र में बा मतलब सत्याग्रह। हाँ सत्याग्रह। बापू गांधी जिंदाबाद। बापू गांधी जिंदाबाद। बापू गांधी जिंदाबाद। पूरनमल मुर्दाबाद। पूरनमल मुर्दाबाद। बापू गांधी जिंदाबाद। बापू गांधी जिंदाबाद। बापू गांधी जिंदाबाद। पूरनमल मुर्दाबाद। बापू गांधी जिंदाबाद। भैया उठा लाठी चल हमारे साथ ये लोग ऐसे ना मानी। दिनवा तू दुकान के ध्यान रखे हम अभी आवा तानी चल। बापू गांधी जिंदाबाद। पूरनमल मुर्दाबाद। अरे 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 ये कहा पूरनमल मुर्दाबाद। भाई नाराबाजी का। बापू गांधी जिंदाबाद। पूरनमल मुर्दाबाद। इतना मना किला के बाद क्या करता नहीं। पूरनमल जो समझा रहे हैं समझ जा तू न तो फिर हरिया क्या देखता है बस बुलाओ आओ ले ठेक लो के बुला मैं भगा भगा इन लोग के विदेशी कपड़ा बंद कर तो सबके शांत रह शांत रह। चिट्टू पांडे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। कप्तान साहब हमनी के सत्याग्रही हैं हम पूरनमल के विदेशी कपड़ा ना बेचे दे। अब रहुआ के जे विचार लाठी चलावे के बाद तो लाठी चलाई जेल में भेजे के बाद तो जेल भेज। बाकी कप्तान साहब पूरन माल के विदेशी कपड़ा ना भेजे थे। चित्तू पांडे मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत सुन रखा है। तुम लोगों को लाठी खाने की आदत है पर मुझे लाठी चलाने की आदत नहीं है। तो कप्तान साहब हमनी की यहाँ से ना जाई जब तक कि पूरनमल अपने दुकान में खादी का कपड़ा बेचे शुरू ना कर दी हन। हमने सत्याग्रही है। कप्तान साहब सेठ पूरनमल के खादी बेचे के पड़ी। कप्तान साहब हमने के नाराबाजी तो कर सके नहीं नू। जरूर ये आप लोगों का अधिकार है। लेकिन किसी को दुकान में आने से रोकना और कोई नुकसान पहुंचाना आप लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दुकान में आकर ग्राहक कोई देसी कपड़ा खरीदे या विदेशी ये उसकी मर्जी उसका अधिकार है। धरना भी आप 10 मीटर की दूरी पर बैठकर दे सकते हैं मुझे कोई इतराज नहीं। Is that clear, Mr. Thakur? बोझ गई नहीं। गुड मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर नहीं करेंगे। कप्तान साहब ये मसला तो रुआ हल कर देनी लेकिन खिलाफत का मसला कब हल करी है। यू टॉक अबाउट खिलाफत मूवमेंट हर मैजेस्टिक विल डिसाइड। साहब ये कप्तान साहब तो बहुत ही शांत स्वभाव के बाहु। भैया आपका कहल जाए। मिस्टर डेविड ये जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है।
इससे ब्रिटिश सरकार का राज खत्म होने का डर है। लोगों के दिलों में हमारा फियर फिनिश हो जाएगा। नो सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो कर रहा हूं इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी और लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तुमने पूरन मल के शाप के सामने कांग्रेसियों को ये हारी का शाप खोलने का परमिशन दिया क्यों? सर, ये उनके राइट्स हैं। तुमको उन लोगों को ये परमिशन नहीं देना चाहिए था, बल्कि उन पर लाठीचार्ज करना चाहिए था, फायरिंग करना चाहिए था। इससे पब्लिक के दिलों में हमारा डर कायम रहता। नो सर, लाठीचार्ज और गोली चलाने से लोगों के अंदर डर रहेगा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। अगर हमें जनता पे ज्यादा दिन राज करना है तो जनता का विश्वास जीतना जरूरी है। तुमको पुलिस की जॉब छोड़ना चाहिए। तुमको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। आज गांधी फॉलोअर इंकलाब जिंदाबाद। अगर ऐसा करने से ब्रिटिश गवर्नमेंट का भला होता है तो मैं एसपी बनने के बजाय एनी बेसेंट बनना पसंद करूंगा।